नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। अरे सुमैया, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं सोच रही थी तुम्हें साथ ले लूं। हम जा रहे हैं हिजरत के घरों से मुबारकबाद देने। मुबारकबाद? हाँ, उसने गोल्ड मेडल लिया है। मैंने कहा था ना, सच में हमें तो हीरा मिल गया है। मुझे पता था कि ये बहुत आगे जाएगी। उसकी आंखें बता रही थी, उसकी आंखों की चमक बता रही थी। अभी देखना और क्या क्या होता है। मेरा तो रोम रोम उसके लिए दुआ गो है। आप मेरे लिए दुआ नहीं करती ना? अरे नहीं बेटा, मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ? माँ तो कभी तफरीक नहीं करती बच्चों में। झूठ बोल रही है आप। आप सिर्फ सन्नान के लिए दुआ करती हैं। देखे ना, सब कुछ पूरा हो गया उसका। आपने अफान के लिए दुआ की, उन्होंने जो चाहा उन्हें मिल गया, और मुझे देखे अम्मी, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ, खाली गोद हूँ मैं बिल्कुल। नहीं नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं करते, भाई है तुम्हारे। हाँ भाई है मेरे। आप अब मेरे मरने की दुआ कीजिएगा। अल्लाह करे मैं मर जाऊं, इस घर से सबसे पहले मेरा जनाजा उठे, और देखिएगा आप ये दुआ जरूर कबूल होगी। कीजिएगा मेरे लिए दुआ। रजिया, अस्मत से कहो आज नहीं जाऊंगी मैं। मुकाबले का इम्तिहान? ये कौन सा इम्तिहान है शिजरत? वो बहुत बड़ा इम्तिहान होता है अम्मी। अच्छा तो शादी, शादी कब करनी है? वो भी कर लेंगे अम्मी, लेकिन पहले करियर। सिनान इंतजार कर लेगा? करेगा, उसी ने तो मुझे राह दिखाई है। अरे सिनान आ गया। सिनान इस वक्त? हाँ, वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने। कहाँ? बस यूं ही बाहर डिनर करने। तो बेटा वो अंदर आ जाए ना, डिनर में खुद बना लेती हूँ, आधे घंटे में सब कुछ बन जाएगा और सारे मिलकर सेलिब्रेट भी कर लेंगे। अम्मी वो सिर्फ मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है। बेटा इस वक्त जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी, वापस कब तक आओगी? आप क्यों परेशान हो रही हैं? सिनान ने बात कर ली है मामू से, इजाजत ले ली है। मैं तैयार हो जाऊं। में जाऊं? इजाजत लो ना अम्मी से। आंटी इजाजत है? शिजरत ख्याल रखना अपना। ये मेरे साथ है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र हैं। ऐसे मत देखो। तुम्हें ऐसी आजमाइश बनकर नहीं आना चाहिए था। आज इतना बड़ा दिन है मेरा, इतना तैयार होना तो हक बनता है। फिर तो तुम्हें इस तरह देखना मेरा भी हक बनता है, बल्कि मेरा फर्ज बनता है। तुम मुझे रोक नहीं सकती।
नहीं जानता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम ही ने तो कहा था कि मोहब्बत बदल देती है। इसने खूबसूरत कर दिया मुझे। मोहब्बत सब कुछ कर सकती है। गुज़िश्ता मौसमों का इस्तहारा बन के रहती है, शाबाने हिजर में रोशन सितारा बन के रहती है। उंडेर पर चराहों की लुएं जब थरथराती हैं, नगर में नाउमीदी की हवाएं सनसनाती हैं, गली में जब कोई आहट कोई साया नहीं रहता, दुखी दिल के लिए जब कोई भी धोखा नहीं रहता, गमों के बोझ से जब टूटने लगते हैं शाने, तो ये उन पे हाथ रखती है किसी हमदर्द की सूरत। मोहब्बत दर्द की सूरत। दर्द की बात मत करो सन्नान, खुदा ना करे कि हमारी मोहब्बत में कभी दर्द आए। दिल नहीं चाह रहे ये सफर कभी खत्म हो। हेलो, क्या? लेकिन अम्मी तो बिल्कुल ठीक। हाँ मैं पहुंच रहा हूं, हाँ मैं अभी पहुंच रहा हूं। क्या हुआ है आंटी को? अम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या? डॉक्टर साहब कैसे तबीयत है अम्मी की? इनका बीपी शूट कर गया था टेंशन की वजह से, और आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अचानक कैसे? मैं तो ना बिल्कुल ठीक था, घर पे छोड़ के गया था। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने उन्हें ड्रिप लगा दी और वो सो रही हैं। थैंक यू। शुजरत मैं एक बार खुद अम्मी को देखा हूँ। हाँ बिल्कुल, एक मिनट। सुमैया बाजी को कॉल की थी लेकिन उन्हें नहीं उठाई, तो इसलिए आपको कॉल कर दी। सॉरी, मैं अम्मी की तबीयत का सुनकर मेरी सोचने समझने की स्लाइड खत्म हो गई थी। बिल्कुल ठीक किया, घर तो खूबसूरत है तुम्हारा। मेरा नहीं, हमारा, तुम्हारा और मेरा। घर छोड़ो, तुम्हें घर दिखाता हूँ। आ जाओ, ये हमारा ड्राइंग रूम है और साथ उस तरफ डाइनिंग। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। अभी तो घर का काफी पोर्शन बाकी है, वो भी दिखाता हूँ। इस तरफ आओ, चलो ना, यहाँ से भी रास्ता लॉन की तरफ जाता है। ये किसका कमरा है इतना बड़ा? तुम्हारा।
मेरा बल्कि रुखसती के बाद हम दोनों का होगा इंशाल्लाह। मामू ने मुझे बहुत प्यार बहुत मान दिया। दुनिया के बहुत कम रिश्तों को मिलता है। अपने घर में जगह दी, मेरे लिए राइटिंग टेबल बनवाई, बुक शेल्फ, एक अलहदा बेड बनवाया, जबकि उनकी बेटियां एक ही बेड शेयर करती थी। सबके बावजूद मेरे अंदर एक एहसास बेघरी मौजूद रहा, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। खुद के लिए अपना घर बनाना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था। मुझे नहीं था पता कि वो ख्वाब ऐसे पूरा होगा। हमारे लिए सब कुछ पहले ही तय होता है शिजरत, उस वक्त आने पर हमें मिल जाता है, लेकिन हम उसे बेखबर होते हैं और कभी कभी बेसब्र भी हो जाते हैं। अरे ये आंसू किस लिए? खुशी के? नहीं, खुशी के नहीं। क्या गम के हैं? नहीं, हैरत के हैं, तशक्कुर के, तुम्हारी मोहब्बत के। थोड़ी वजाहत दोगी? इस कम अकल को कुछ समझ नहीं आया। मैं कहां तक पहुंच गई, इतनी ऊपर? घर के लिए कह रही हो? नहीं, घर तो मैं बना ही लेती, बड़ा ना सही छोटा, अच्छा ना सही बुरा, मैं तो कुछ और कह रही हूं। पैसे बचा के पैदल चलने वाली लड़की, ठंडा कड़वा पराठा खाने वाली शिजरत उस दूर कहां तक पहुंच गई? मैं यहां तक आ गई हूं सन्ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शिजरत, तुम्हें अभी और भी आगे जाना है। प्लीज प्लीज रोमा, आना ये खुशी के आंसू है, लेकिन मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे। इतना रोगी तो तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी। आंटी क्या कहेंगे, मैं तुम्हें रुला के लाया हूं। Thank you.
अगर तुम ना होते सन्ना, मैं सब कुछ होती मगर वो ना होती है जो मैं हो गई हूँ। अम्मा मुझे कहने दो, तुम मेरे लिए। आंटी से वादा किया था कि तुम्हें जल्दी घर छोड़ दूंगा, तुम्हें घर छोड़ना देर हो जाएगी। टीएमटी का धमाका था, अभी लाइट आ जाएगी, जनरेटर हो चुका, तुम डरो मत, अभी लाइट आ जाएगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। सॉरी आंटी, हमें देर हो गई। देर तो बहुत हो गई बेटे, मेरी तो नींद उड़ गई, तरह तरह के वसवसे आ रहे थे मेरे दिल में। मैं चलता हूँ वापस। शिजरत, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? देर ज्यादा हो गई थी इसलिए परेशान हो गई। हाँ देर तो हो गई है, लेकिन ठिकाने पर पहुंच जाएं तो देर का एहसास खत्म हो जाता है। ना रहा बस अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे
है ये कैसा जबर, कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। शिजरत, तुम्हारे मामू कह रहे थे कि इधर दीवार में ना एक शीशे की अलमारी बनवा देता हूँ, जिसमें तुम्हारे सारे मेडल और तुम्हारे अबू की तस्वीर रखेंगे। तुम्हारे अबू जिंदा होते तो कितने खुश होते, मुझे तो अपनी खुशी का इजहार ही नहीं सूझ रहा कि मैं कैसे खुशी मनाऊं। कितनी दुनिया आई मुझे मुबारकबाद देने के लिए, न जाने कैसे कैसे लोग, और पता है क्या कह रहे थे मुझे कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, कितनी खुश किस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जैसी काबिल फख्र बेटी दी है। अरे और तो और, आज तो आफाक भी बहुत खुश था। शिजरत, सो गई बेटा। थक गई होगी। मुझे हाथ मत लगा। प्लीज, मारा निकाह हुआ, तुम मेरी बीवी हो। दिल दुखाया ना, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, खुद पे इख्तियार नहीं रहता मेरा, मैं पागल हो गई हूँ शायद। नहीं मेरा, आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? खफा नहीं हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, औलाद माँ के लिए दो आंखों की तरह होती है। कभी सुना है तुमने कि एक आंख ज्यादा प्यारी और दूसरी कम? सॉरी, आज के बाद मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा आप ये बताएं कि आप क्या कह रही थी, मुबारकबाद देने जाना है शिजरत की तरफ, मुझे बताइए ना। चलोगी तुम? हाँ क्यों नहीं जाऊंगी, आखिर मेरी होने वाली भाभी ने गोल्ड मेडल लिया है, मैं जरूर जाऊंगी। आप बताएं कब जाना है, मुझे भी तो तोहफा लेना होगा। हाँ बेसिनान, कब लेके जा रहे हो तुम हमें शिजरत की तरफ? मैं क्या करूंगा वहां जाके, मुझे भी जाना, आप लोग अजमत के साथ चले जाओ, ले जाएगा आपको। अरे अजमत के साथ तो हम जाते रहते हैं, तुम लेके जाओगे हमें इस बार? मुझे आज जरूरी काम है, मैं आज नहीं जा सकता। भाई हम तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे, हमें आज शाम को हर सूरत जाना है और तुम लेके जाओगे, बस कह दिया। हाँ बिल्कुल। हाथ हटाओ,
अल्लाह, इतना तेज बुखार हो रहा है, मेरी बच्ची को नजर लग गई है। बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर दवा दे दूं। नहीं खाना। मोसना, शिजरत की सास और नंद आई हैं। अचानक से मुझे लगता है कि शिजरत को मुबारकबाद देने आई हैं। बहुत सारे तहाइफ हैं उनके हाथ में। तुम ऐसा करो, उनके पास चल के बैठो, मैं कुछ चाय वगैरह का तो इंतजाम करूं। अच्छा बेटा, मैं जरा देखूं उनको, आती हूँ। तो कल भी आने का सोच रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक तबीयत खराब हो गई तो आ नहीं सकी। कहाँ है हमारी काबिल बहू, बुलाइए ना, उसने तो पूरे शहर में झंडे गाड़ दिए। माशाल्लाह, मैं बुला दूँ। शिजरत बेटा, आ जाओ, सलाम कर लो अपनी सास को। नहीं अम्मी, मुझसे नहीं जा रहे। बेटा इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है कि वो कमरे में आए। आई है तुम्हारे लिए, बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ। चलो हिम्मत करो, शाबाश। बहुत तेज बुखार है। चक्कर आ रहा है। मैं चलता हूँ। अरे बेटा, ना कुछ खाया ना पिया और चल दिए। वो मुझे कहीं जाना है, मैं अम्मी को पिक करने आऊंगा तो फिर। अरे आओ ना, मिलो तो सही। बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह का शुक्र है लाखला। शिजरत के मामू सबसे ज्यादा खुश हैं कि हमारी बेटी ने मिसाल कायम कर दी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अच्छे टाइम पे आए हो बेटा। बड़ी महफिल लगाई हुई यहाँ तो हैं? ये बिलाल भाई खड़े थे गाड़ी के बाहर, क्या हुआ? चलो एक या दूसरा आया है। भाई मुबारक हो बहुत, इतने अच्छे नंबर ले लिए, शाबाश, बहुत अच्छे। तबीयत लगता है ज्यादा खराब है, इसको ले जाए अंदर आराम करे। जाओ मेरा बेटा, आप आराम करो। कैसा अंदाज़ है
कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे, खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। शिजरत सिनान की कॉल है बेटा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती। अरे वो किसी इम्तहान के फॉर्म जमा कराने का कह रहा है, आखिरी तारीख का बोल रहा है, वो जो तुमने कोई इम्तहान देना है। तुम्हें पिक करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि तुम इस तरह मुंह छुपाती फिरो। मुंह छुपाने की जरूरत हम दोनों को है। हम दोनों को? अच्छा ठीक है, हम दोनों को, लेकिन अब क्या हो सकता है? काश गुजरा वक्त वापस आ सकता। शिजरत, खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूं। ऐसे भी क्या क्या बेखुदी? सब कुछ वैसा ही है, तुम और मैं। कुछ वैसा नहीं है, मुझे हया आती तुमसे भी और खुद से भी। कर रही हो यार, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो, तुम बीवी हो मेरी। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। शिजरत रुको, thank you.
ये क्या कर रही हो तुम सुमैया? वो माजिया बिल्कुल ऐसे चल रही थी ना, देखे ऐसे कितने आराम आराम से, एहतियात से, सब कैसे उसका ख्याल रख रहे थे, कैसे कितना एहतियात कर रही थी वो अपना, सब उसको कितने प्यार से कह रहे थे कि ऐसे बैठो आराम से, वो देखा था आपने कैसे बैठ रही थी, कितना ख्याल कर रही थी, लोग उसका कितना ख्याल रख रहे थे। हाँ, कितनी अच्छी लग रही थी वो माँ बन के, मैं भी अच्छी लग रही हूँ ना देखा। बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, औलाद चाहिए, बैद औलाद चाहिए। नदामत से झुका है दिल।